सीतापुर में भी शासन का रुख भूमाफियाओं के लिए सख्त दिखाई दे रहा है। जहां पर भी पुलिस ने गैंगस्टर में लिप्त अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने रमन साहनी के नेपालपुर स्थित मदर्स प्राइड स्कूल की काफी जमीन पर सीज की कार्रवाई करते हुए जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक अपराधी के द्वारा अपराध करके अर्जित की गई संपत्तियों को जब्त करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने लगभग 30 बीघा जमीन, सफारी गाड़ी समेत कुल 5,88,00,000 की संपत्ति को जब्त किया। बताया जा रहा है कि आरोपी रमन साहनी पर लगभग 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। रमन साहनी को कुछ दिन पहले जिला बदर भी किया गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई चिन्हित अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगी। ऐसा है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है ऐसे अपराधियों विरुद्ध जिन्होंने अपने अपराध के दम पर कई प्रकार की अवैध संपत्तियां निर्मित कर ली हैं और वे उसका उपभोग निर्बाध रूप से कर रहे हैं। ऐसे अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के संबंध में उनके द्वारा बड़े स्पष्ट निर्देश दिए गए। उसी अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। जिलाधिकारी सीतापुर महोदय के आदेश पर इस जनपद के भूमाफिया, शातिर अपराधी, जालसाज, कूट रचित दस्तावेज तैयार करके दूसरे की जमीन हड़प लेना, मतलब कई प्रकार के कृत्य हैं उन ऐसे एक अपराधी रमन साहनी के आपराधिक कृत्यों द्वारा जो अर्जित उनकी संपत्ति है उसको गैंगस्टर के 14(1) के तहत जब्त किए जाने की प्रभावी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में इनकी कई जगह की बटी भूमि है, कई रकबे हैं और एक इनकी गाड़ी है। जो इनकी भूमि है उसका क्षेत्रफल लगभग 30 बीघा है और इसकी वास्तविक कीमत करीब 5,77,00,000 आकी गई है। जो गाड़ी है उसकी कीमत करीब 11,00,000 रुपये है। इस प्रकार दोनों चल और सचल संपत्ति मिला करके लगभग 5,88,00,000 रुपये की ये संपत्ति जब्त किए जाने की कार्रवाई जिलाधिकारी सीतापुर के आदेश पर की गई है। बता दें कि पुलिस ने शातिर अपराधियों के खिलाफ जड़ से खत्म करने का अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी में पुलिस ने शातिर गैंगस्टर में लिप्त अपराधी की चल अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अपराध के धन से अर्जित बाइक, कार और प्रॉपर्टी को कब्जे में लेकर सूचना पट लगा दिया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी है। पंजाब केसरी के लिए सीतापुर से रिजवान मोहम्मद की रिपोर्ट।